हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे क्या कंट्री में क्या मचा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस टॉप पर 100 रुपये। ओ गॉड, हो क्या रहा है कंट्री में। आखिर क्वेश्चन ये आ जाता है ना सामने कि ये प्राइसेस बढ़ कैसे जाते हैं इतने ज़्यादा। कोई तो रीज़न होगा। ये पता सबको है कि भाई इंडिया में तो प्रोडक्शन है नहीं। इंडिया तो अपने 80% से ज़्यादा हम यहाँ इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, राइट। तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री में अगर हम नीचे से बात करते हैं टॉप 10 कंट्रीज की, तो नाम आता सबसे पहले कुवैत का। हम नीचे से बात कर रहे हैं, राइट। कुवैत, देन ब्राज़ील, यूएई, ईरान, इराक, देन चाइना, कनाडा, रशिया, सऊदी अरेबिया, देन यूनाइटेड स्टेट्स। ऑफकोर्स इसमें चाइना का नाम भी है बीच में, कुछ 4th to 5th नंबर पे आ जाता है चाइना। इंडिया कहीं नहीं है प्रोड्यूसिंग। अब जो कंट्री है, इसका मतलब उनके मोनोपोली है ना इस पे, है ना। वो हमको दे रहे हैं ना, तो वो तो चाहे जब इसका प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये कारण हो जाता है, एक रीज़न तो ये आ जाता सामने कि भाई वो अपना प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और हमें कम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कम करेंगे तभी तो वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पाएंगे ना। ये तो समझ में आता है ना कि भाई जिस चीज़ की हमारे पास सप्लाई कम आती है तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बहुत बड़ा रीज़न होता है ये तेल, जितनी भी तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, वो क्या करती है, प्रोडक्शन कम कर देती है। प्रोडक्शन कम कर देती है, बहुत बढ़िया वाला बड़ा सा एक प्रॉफिट कमा लेती है और फिर से अपना काम शुरू कर देती है। भाई उन्हें तो उनका प्रोडक्शन है तो उन्हें तो भेजना ही, उन्हें तो बेचना ही है ना। बस एक तो ये हो गया रीज़न। दूसरे रीज़न पे आ जाते हैं। सुब्रमण्य स्वामी ने भी भाई एक बहुत बढ़िया ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा था भाई हमें तो 30 रुपये लीटर पड़ सकता है ना, रिफाइनरी के बाद 10 रुपये और लगा दो, 40 रुपये का हो गया। बाकी जो इतना बढ़ गया है तो क्या हो रहा है, टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट। तो क्या उनको ये नहीं पता कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो उस टैक्स को लगाने के पीछे भी कितने रीज़न है। COVID-19, पूरी इकोनॉमी हमारी कैसी हो गई है, एकदम अस्त व्यस्त है ना। तो क्या करना है गवर्नमेंट को, अभी बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क करना है। इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया तो एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क करना है, तो पैसा हमें उधर लगाना है ना, है ना। तो कि इसको तो हमें हटाना ही पड़ेगा भाई, एक तरफा हम काम कैसे कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना पड़ता है। टैक्स लगाएंगे, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर 34% तकरीबन 34%। क्या करे गवर्नमेंट, सोचो आप अगर उस कंडीशन पे हो तो क्या करोगे, है ना। बस एक रीज़न हो जाता है कि ठीक है ना भाई, टैक्स इधर बढ़ा देंगे तो 100 रुपये हो गया, तो आपके लिए एक तरीके से पता है ये सही है अपने एनवायरनमेंट के लिए। अगर बढ़ जाएगा ना 100 रुपये 200 रुपये हो जाएगा, तो ठीक है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है ना, नहीं जा रहे भाई कार से, नहीं जा रहे भाई स्कूटी से, बस में चले जाएंगे, करेंगे ना कोशिश। हो सकता है इस कोशिश की वजह से हम अपने होने वाले जो ये पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है उसे भी कंट्रोल कर सकें। भाई हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर हम सोचें कि ये भी पॉजिटिव अगर हम कर सकते हैं तो इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं कि बढ़ते हुआ अगर ये प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं तो ठीक है ना, कितना कंट्रोल करेगी। फिर भी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो एथेनॉल मिक्सचर इसमें किया जाता है, जो इस टाइम पर तकरीबन 8.5% करते हैं, 2025 तक, आने वाले 2025 तक हम इसको 20% कर सकते हैं। जब अगर 20% जैसे ही एथेनॉल मिक्सचर इसमें मिक्स कर दिया जाता है या इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो शुगर केन के रेसिड्यू, इस टाइप के रेसिड्यू से जो प्रिपेयर किया जाता है, अब तो बहुत बड़े बड़े प्लांट भी इसके बन गए हैं, तो किसी हद तक हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन इंडिया में अगर शुरू हुआ तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हम कंट्रोल और अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे। होप सो आपको मेरा ये वीडियो आपके लिए काम का हो, आपके लिए नॉलेजेबल हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no looks in the banner. Legacy.